हम जबलपुर में हैं, जबलपुर पश्चिम सीट में है, जो कि यहाँ की कह लें या मध्य प्रदेश की कह लें कुछ चुनिंदा हॉट सीट्स हैं उसमें से एक है, क्योंकि यहाँ से जबलपुर के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सरदार जी हमको मिल गए और इन्होंने जबरन हमको कचौड़ी खिला दी यहाँ की, और उन्होंने बताया बहुत फेमस है, बहुत पुरानी दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है, कचौड़ी खाई, मज़ा आया। कचौड़ी वाले भाई साहब से भी बात करेंगे, मगर पहले थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो राजनीतिक गणित है वो समझ लेते हैं, पर राजनीतिक गणित से पहले एक चीज़ जानना चाहते हैं, हमारी बड़ी दिलचस्पी है सामने ये श्री शारदा सिनेप्लेक्स सिनेमा गोरखपुर जबलपुर लिखा हुआ, गोरखपुर इलाके का नाम, गोरखपुर मोहल्ले का नाम है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार चंद्रवंशी जी। ये गोरखपुर एक मोहल्ला है, बहुत पुराना है, और ये सारा टाकेज है मैयर वाले राजा लोग की, वो परिवार से आते हैं, वो उनकी टाकेज है ये। और जबलपुर में अभी सिनेमा हॉल के नाम पे एक सिंगल सिनेमा हॉल बचा हुआ है। अच्छा, पुरानी धरोहर समझे, सिंगल सिनेमा हॉल बचा है, मतलब सिंगल स्क्रीन वाला, बाकी मल्टीप्लेक्स जी, बाकी सब मल्टीप्लाई हो गया है, सारे जो मॉल बन रहे हैं उन पे खुल गया है, तो बेचारे पुरानी धरोहर को अपनी संभाले हुए हैं, और नई पिक्चरें लगती है, अच्छा रिस्पांस है। अच्छा, बचपन से पिक्चरें देखी है, देखी आपने पिक्चर यहाँ पे? अरे यहाँ देखते हैं। कौन सी पिक्चर देखी? और देखी अभी नदिया के पार देखी आपने? जो मल्टीप्लेक्स में जो सीटें हैं वो बालकनी में इधर पे लगी हुई है। अच्छा, ऐसी मतलब डेल्वी सॉन्ग है, सब चीज है। फिलहाल पिक्चर कोई साउथ इंडिया की लगी हुई, टाइगर टाइगर देखी नहीं है, नई पिक्चर लगती है यहाँ पे। अरे पूरे पहली फिल्म इनके हाउसफुल 4 उसकी इसमें लॉन्चिंग हुई थी। आप लोग अभी भाई साहब बता रहे थे कि आप लोग बचपन के दोस्त हैं। हम लोग 43 छठी क्लास साथ में पढ़े, 43 साल पुराने दोस्त हैं। आज मेरी उम्र 53 की है, छठवीं से हम लोग साथ में पढ़े हैं हाई स्कूल तक, और बहुत बढ़िया दोस्त हैं हम लोग। अच्छा, आज बहुत दिनों बाद 2-3-4 महीने बाद हम लोग मिले नाश्ता करें आपसे। 3 महीने बाद मिले, क्या करते हैं आप? मेरा सब्जी का काम है गोरखपुर सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी आपका भाई साहब? मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ, कॉन्ट्रेक्टर है, ठेकेदार जी, ठेकेदारी करते हैं, बिल्डिंग का, बिल्डिंग वर्क, प्राइवेट। हमारे जो ज्योति डाकी जो टूट गई हमारे पापा ने बनाई थी। अच्छा, सानी होटल, बड़े ठेकेदार थे, पुराने शहर के पुराने ठेकेदारों में से गिनते आती थी। जो आज मॉल बन रहे हैं ज्योति है, वहाँ पापा ने बनाई। अच्छा, जैसे कि इस सीट की बात करें जबलपुर पश्चिम, तो यहाँ पहले एक से एक विधायक होते थे, अरिजन सिंह पप्पू। पिछले दो बार वो चुनाव मुझे लगता है लड़े हारे, पिछला नहीं लड़े थे, उससे पहले पहले लड़े, पिछला भी हारे हैं वो तरुण भाई से, वो 3 चुनाव लड़े हैं, तो एक उन्होंने हराया है, तरुण भाई ने उनको ही हराया। तरुण भनोट के बारे में बता दूं, पिछले 2 बार से विधायक हैं इस सीट से, 2013 और 2018। पिछली बार जब कमलनाथ की सरकार 2018 बनी तो उनको वित्त मंत्री बनाया गया था, बड़े नेता हैं कांग्रेस के यहाँ पे। उनका एक स्वभाव है अपना, लोग कहते जरूर हैं उनको कि बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है जो गरीबों के प्रति सेवा का स्वभाव, बच्चों को, छोटे गरीब बच्चों का उनका ध्यान रखना, बहनों का ध्यान रखना, बरसात में जो माताएं बहनें परेशान होती हैं उनका ध्यान रखना, गरीब बच्चों को, विधायक पाठशाला चलाते हैं, उनमें कई बच्चे आप इसके होर्डिंग में मिलेंगे जो वहाँ से पढ़ के काफ़ी आगे निकले हैं, कईयों को उन्होंने नौकरी दिलवाई, और वो अपने सेल्फ खर्च से करते हैं, और विधानसभा का बहुत ध्यान रखते हैं। उनका एक लक्ष्य है, मेरा पश्चिम अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, साफ रहे। हमारे पश्चिम में पहले बहुत गुंडागर्दी हुआ करती थी, जब से वो पिछले 10 साल से विधायक हैं, आज यहाँ कभी सुनने को नहीं मिलता हमको कि कोई क्राइम हुआ हो, व्यापारी हमारा परेशान हो। और राकेश सिंह हमारे सांसद हैं, सांसद जी के बारे में बताइए, पिछले 20 साल से सांसद हैं, और उनकी सांसदी में हमने कभी ये नहीं देखा कि जनता को कोई मुद्दा उठाया उन्होंने। एक हाउबा की टीचर रही हमारी, बहुत पुरानी छोटी लाइन चलती थी, इसको छोटी लाइन बोलते थे, हाउबाग स्टेशन के नाम से जाना जाता था, ये स्टेशन तोड़वा के उन्होंने अपने फायदे के लिए गढ़ा स्टेशन बना दिया एक नया, जबकि इतना बड़ा एरिया है, यहीं पर चाहते तो नया स्टेशन का एक स्टेशन बनाते, यहीं पर उसका पूरा सर्विस सेंटर होता, यहाँ पर जो गरीब लोग गाँव से आते थे व्यापार करने वो सीधे बेचारे यहाँ उतरते थे, सब्जी वाले हो, मजदूर हो, वो सीधा यहाँ उतरते थे हाउबाग में, और अपना दिनचर्या काम करते थे और यहाँ से बैठ चले आते थे। अब ये हो गया है यहाँ से कि गढ़ा जाना पड़ता है, गढ़ा यहाँ से 8 किलोमीटर या ग्वारीघाट जाके बैठे, यहाँ का व्यापार खत्म कर दिया उन्होंने। क्यों ऐसा क्यों? उनका वहाँ पर स्वार्थ था। देखिए, जब कोई स्कीम लॉन्च होती है तो नेताओं को पहले मालूम होता है कि कौन सी जमीन खरीदना है और इसमें क्या प्रॉफिट होगा। वहाँ उनकी निजी जमीन थी, वहाँ उनका बड़ा स्टेशन बन गया, जो मुआवजा लेना था ले लिया, जनता था कोई वास्ता नहीं, उनका जनता उनका कोई विषय नहीं है, उनका एक विषय था
अपना एयरपोर्ट का और उसी पे लगे रहे। गरीब आदमी का विषय एयरपोर्ट जहाज नहीं है, गरीब आदमी का विषय काम है, उसका रोजगार है, उसको रोजगार चाहिए। आज जो सब्जी वाले खड़े हैं सबको इनको रोजगार दिए, क्या ट्रैफिक क्या कमजोर रहता है लेकिन सबको रोजगार तो मिला हुआ है, सब कर रहे हैं। अच्छा, राकेश सिंह दावे तो तमाम कर रहे हैं वो। देखिए आप, उनकी पार्टी ने उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया, हमारे पश्चिम के प्रत्याशी हैं, पश्चिम में इतने दावेदार थे लड़ने वाले, पश्चिम के प्रत्याशी को उठा के उन्होंने मध्य में भेज दिया। अच्छा ठीक, अभिलाष पांडे की बात, अभिलाष पांडे जी उत्तर मध्य से लड़ रहे हैं, उनको वहाँ पर आज भी इतना विरोध हुआ, आप लोगों ने देखा होगा उनके भाजपा के क्वार्टर में कुर्सियाँ चली, गाली बकी, उनके गनमैन के ऊपर हाथ छोड़ा गया, उनका गनमैन गन निकाला। मामला था, मामला ये था कि वो टिकट उन्होंने अभिलाष पांडे को दे दी, मांग कौन रहा था, धीरज पटेल टिकट मांग रहे थे, धीरज पटेल के आदमी वहाँ पर सब तमाम सब बागी हो गए। आपका केंद्रीय मंत्री के सामने उन्होंने उत्पात मचाया वहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए सांसद जी को झोंक दिया। सांसद जी की कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, सांसद जी की निजी इच्छा कुछ नहीं थी, बताया उन्होंने। कैलाश विजयवर्गीय जी से बताते हैं कि मेरा कोई मेरी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, और मैं तो अब बड़ा नेता हो गया हूँ, मैं कहाँ कहाँ गली गली घूमूंगा। अब सांसद जी चैलेंज करते हैं कि मैं 15 दिन में पूरा पश्चिम नाप लूंगा, 20 साल में तो आप पश्चिम नाप नहीं पाए चल के पैदल, 15 दिन में आप क्या नापेंगे। जनता चाहती है लोगों के बीच में रहे, उनका जो नेता है उनके बीच में रहे। तरुण भाई आते हैं जनता के बीच में, सबसे मिलते हैं, जब बुला लो तब आ जाते, रात में चले जाते, उनका घर खुला, सांसद नहीं मिलते। सांसद जी का बहुत बहुत 3-4 दिन हफ्ता भर जबलपुर रहता, बाकी जो दिल्ली, हाँ वो तो दिल्ली वाले हो गए ना, दिल्ली के दिल में बसते हैं वो। क्यों उनको उतार दिया गया यहाँ पे भाई, उनका पार्टी संगठन को लगा कि तरुण भाई के बराबर टक्कर में कोई नेता नहीं है, उनको उतार दिया उन्होंने, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ। हाँ चलिए, बोलो आप कह रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी पड़ेगा। भानोट जी जीत रहे हैं चुनाव, जीत रहे हैं चुनाव, हार जाएंगे। तरुण भानोट का व्यक्तित्व जीत रहा है, उनका स्वभाव जीत रहा है, उनका जो स्वभाव है सेवा का वो पश्चिम से जीत रहा है। पार्टी तो ठीक है कांग्रेस पार्टी, लेकिन तरुण भानोट एक अपने आप में व्यक्तित्व है, जो चेहरा है, और जो लोगों के बीच में उनका उठना बैठना है, जो लोगों के प्रति जो उनकी सेवा का एक स्वभाव है वो जीत रहा है। चलिए धन्यवाद भाई साहब। अरुण कुमार चंद्रवंत, अरुण जी क्या नाम भाई साहब आपका, क्या क्या बनाते हैं आप? मैं साबुन दाने भरे, दाल भरी, सिर्फ घरे। अभी भाई साहब का खस्ता खाया हमने, बहुत जबरदस्त, हाँ कचौड़ी खाई। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता है। कब से दुकान लगा रहे हैं? ये दुकान तो हमारे दादाजी की, दादाजी की। हाँ, कितना वक्त हो गया उनको यहाँ पे आए रहे? मेरे ख्याल से 1930 में आए रहे। 1930 में कहाँ से आए थे? बांदा से आए रहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आए यहाँ पे, तब से दुकान चल रही है। अच्छा, चाट की भी दुकान है, आलू बंडे का ठेला है जब से है। अच्छा, तो आपका वोट उठता पे रहवासी तो यहीं के हो गए होंगे? जी हाँ, यहीं की पैदावार है। अच्छा, क्या यहाँ के मुद्दे, चुनाव कैसे चल रहा है इस बार? चुनाव बढ़िया चल रहा है, चुनाव बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, इसका माहौल ठीक है यहाँ पे? कांग्रेस का माहौल एक नंबर दिख रहा है। अच्छा, एक नंबर दिख रहा है। क्या कारण है उसका? उसका कारण है भाई, प्रत्याशी दोनों बराबरी है, मगर जो पहले से जमा है वही आगे निकलेगा ना। कायदे से जम रहा मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि सबसे आगे क्या है, 20 साल से वो जमे हुए अभी तक का, आगे तक सांसद राकेश नहीं, तरुण भनो, तरुण भनो। हाँ, और ये भी आ गए उनके अगेन में।